जिम कर पूरा और जिम नहीं हो रहा है दूसरा जिम भाग रहा है आप लोग का फिर से एक बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज का जो पार्ट है वह पार्ट 5 शूट कर रहे हैं। और गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं कोयला जो लोड होता है उसके बारे में उस टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं खदान में आ चुका हूं और जा रहे हैं। आपको डिटेल से बता रहे हैं कि इस यहां पर किस तरह लोड होता है और किस तरह मज़दूर लोड करते हैं, उनको मंथली क्या मिलती है या वह डे बाय डे वर्क करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं किस तरह ट्रक में माल लोड होता है। नज़दीक क्षेत्र में जैसे चिमनी भट्टा हो गया वगैरह, ये सब में यहीं से कोयला जाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा कि आपको किस तरह मज़दूर, ये जो मज़दूर हैं गाइस या डे बाय डे वर्क करते हैं और इन मतलब इनकी कोई जॉब नहीं होती या डे बाय डे आप इस पर जो नज़दीकी एरिया का जो लोग होते हैं वही वर्क करते हैं और यहाँ पर आते हैं। और जैसे डे बाय डे 300 या 400 रुपया डे, और उनका सुनते हैं कुंटल पर भी निर्भर करता है कि कितना कुंटल कौन चढ़ाएगा उसको उतना वर्क से पैसा मिलता है। तो चलिए हम कुछ मज़दूर से भी बात करेंगे कि आप उसका क्या पे आउट होता है और किस तरह पेमेंट मिलता है। तो मैं कुछ आपको विस्तार से दिखाना चाहूँगा कि और किस तरह लोड होता है। जैसे कि यह जो लोड है ये गाइस यह घोगा जो कि आपका कहलगांव क्षेत्र में है, thank you।
की गाड़ी साहब तो कह सकते हैं उसके बाद निकाल दिया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं।